गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इन प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू दैट देर आर थ्री टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फर्स्ट इज टेक्स्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेकेंड इज टेबल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड थर्ड वन इज बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। ओके, इन प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू टेक्स्चुअल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड टेबल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू थर्ड फॉर्म, बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। व्हाट इज बार डायग्राम्स? हियर इज डेफिनेशन। बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार और रेक्टेंगल। मीन्स बार डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसे हम प्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, बार्स के फॉर्म में या रेक्टेंगल्स के फॉर्म में। क्लियर है? तो ये बार्स या रेक्टेंगल क्या होता है? सिंपल है, ये जो फिगर होता है इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। क्लियर है? तो बार डायग्राम को हम किसमें प्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल फॉर्म में, इसी को बार भी कहते हैं। क्लियर है? नाउ कम ऑन, फीचर ऑफ बार, ये जो बार्स हम बनाएंगे इसमें, इस डायग्राम में, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। पहला, द लेंथ और हाइट ऑफ द बार्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्लियर? दैट इज लेंथ मे बी मोर और लेस बट ब्रीथ रिमेन द सेम। क्या कहना चाहता है कि द लेंथ और हाइट ऑफ बार्स की जो लेंथ होगी, हाइट होगी, ये वेरिएबल पे डिपेंड करेगा कि कितना वेरिएबल यहां पे अमाउंट कितना है। अगर 45 है तो 45 यहां तक बनेगा, अगर 50 है तो ये इससे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, अगर 60 है तो इससे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ये हट जाएगा। यानी कि जितनी वैल्यू होगी वेरिएबल्स का उसी के हिसाब से इसकी लेंथ या हाइट रहती है, बट बीट्स जो है इसकी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। यानी कि चौड़ाई इसकी सेम होती है बट हाइट या लेंथ इसकी डिफर करती है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैल्यू के अकॉर्डिंग। क्लियर है? सेकेंड फीचर क्या है? बार्स मे बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जब भी हम इसे ग्राफ पे पुट करते हैं तो ये बार्स या तो इस फॉर्म में हो सकता है, वर्टिकल फॉर्म में हो सकता है, या वर्टिकल हो सकता है। तो यहां पे हमें ये फ्रीडम है कि हम अपने बार्स को वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास फ्रीडम है। क्लियर है? एंड थर्ड वन इज बार्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि ये जो बार्स हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस पे ही हम बनाएंगे। यानी कि दो बार्स के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। ये जो बार्स हम बनाएंगे, अगर बहुत डिफरेंट बार्स आ रहे हैं, बहुत डिफरेंट रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, तो इनकी ये जो साइज है ये साइज भी सेम होगी। दो बार्स के बीच में जो गैप्स होते हैं वो गैप्स भी सेम होंगे, यानी कि ये इक्विडिस्टेंस पे होंगे।
क्लियर है, ईच अदर मतलब एक दूसरे के। एंड लास्ट वन इज टू मेक द बास एट्रैक्टिव दीज मे बी शेडेड विद द डिफरेंट कलर। अगर हम एक साथ कई बार्स बना रहे हैं तो वो बास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें उसे डिफरेंट कलर में शेड करना होगा। क्लियर है, तो वहां तो हम अगर एग्जाम में ये आता है तो वहां हम कलर्स को लेके जाएंगे नहीं, हमारे पास दो ही चीज होगी, या तो पेन होगा या पेंसिल होगी। तो पेंसिल से भी हम बहुत सारे तरीके से इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये भी अगर बार्स को ले लें तो इसे हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह की लाइन कर देंगे, या इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए पेंसिल से ऐसे कर देंगे। तो ये थोड़ा सा देखने में खूबसूरत लगेगा और वो अट्रैक्टिव होगा, तुरंत ध्यान खींचेगा। क्लियर है, तो ये थे फीचर ऑफ बास। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। ये जो बार डायग्राम होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर फाइव टाइप। फर्स्ट टाइप इज सिंपल बार डायग्राम। ये सिंपल बार डायग्राम होता क्या है तो वो मैं आपको अभी एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि ऐसा बार डायग्राम जिसमें सिर्फ एक ही डेटा दिया हो और उस एक डेटा को हमें बार के थ्रू प्रेजेंट करना हो, तो जहां पर सिंगल डेटा हो उसे सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं। क्लियर है। सेकंड वन इज मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमारे पास दो डेटा वहां पर हम मल्टीपल बार डायग्राम प्रेजेंट करेंगे। जैसे एक क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज की एवरेज हाइट इतनी है और गर्ल्स की एवरेज हाइट इतनी है, तो यहां पर हमें एक डायग्राम ये बनाना होगा और दूसरा उसके बगल में ये गर्ल्स को शो करेगा और ये बॉयज को शो करेगा। यानी कि एक ही साथ एक ही ग्राफ पे अगर हम दो डायग्राम को बनाते हैं, दो बार डायग्राम बनाते हैं, तो वो मल्टीपल बार डायग्राम होता है। इसे और आगे मैं एग्जांपल से आपको एलाबरेट करूंगा। थर्ड वन इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम और या डिफरेंशिएट बार डायग्राम। क्लियर है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है, तो इसे भी मैं आगे एग्जांपल से आपको एलाबरेट करूंगा। यहां पर बस यही जाना जा सकता है कि डिफरेंशिएट कर रहा दो चीजों के बीच में, जब हम डिफरेंशिएट किसी चीज को करेंगे तो उन्हें एक साथ ग्राफ पे जब हम पुट आउट करेंगे तो वहां पर हमें डिफरेंस दिखेगा। क्लियर है, कैसे दिखेगा नेक्स्ट में हम आपको एग्जांपल लेके बताएंगे। एंड थर्ड वन इज परसेंटेज बार डायग्राम। जब हमारा कोई भी डेटा दिया हो और उसके परसेंट दिए हो, जैसे एक ही चीज है कि मेरा नाम मनीष मणि, मैं हाई स्कूल में 20% पाया, 12th में 40% पाया, ग्रेजुएशन में 60% पाया, पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% पाया। यहां पर एक ही बार आदमी के बारे में चार डेटा हमारे पास है, तो जब इस फोर डेटा को हम ग्राफ पे पुट करेंगे तो यहां पर ये 20% हो गया, ये 30% हो गया, इससे थोड़ा सा बड़ा, ये 60% हो गया, इससे बड़ा, और ये 80%। तो हम इसे परसेंटेज में जब हम इस बार्स को शो करते हैं, कैसे करते हैं ये आगे और एग्जांपल से मैं एलाबरेट करूंगा, यहां पे सिर्फ आपको उसका एक आउटलुक देगा। क्लियर है, तो उसे हम परसेंटेज बार डायग्राम्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज डेविएशन बार डायग्राम, जिसमें चीजें बहुत डेविएट हो रही हो डेटा, कि कभी वो माइनस में जा रहा है, कभी वो प्लस में डेटा जा रहा है, तो यहां पे डेविएशन ज्यादा हो रहा है। तो अगर माइनस में डेटा जा रहा है तो उसे हम कैसे ग्राफ पे पुट करेंगे, और अगर प्लस में डेटा जा रहा हो तो उसे हम कैसे पुट करेंगे, तो यहां पर डेविएशन ज्यादा है, तो जहां पर डेटा का डेविएशन ज्यादा होता है उसे हम डेविएशन बार डायग्राम से पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल
कि ये हमारा बेसलाइन है, एक्स एक्सिस मान लेते हैं यहां पे समझाना है, और इसमें कोई भी एक डेटा है, प्रोडक्शन ही है, कि राइस का प्रोडक्शन 1990s में 105 मिलियन हुआ और नेक्स्ट ईयर राइस का प्रोडक्शन माइनस में चला गया। अब आप कह सकते हैं सर माइनस में कैसे जाएगा, जीरो होएगा और नहीं तो फिर कुछ और होगा। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर ये डेटा माइनस में चला गया तो माइनस के लिए फिर हम एक नीचे इस बेसलाइन के जब नीचे बना देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस को, और इस बेसलाइन के ऊपर जब हम बनाएंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्लस को। तो यहां पर डेविएट, जहां पर डेटा बहुत तेज ज्यादा होता है, डेविएशन ज्यादा होता है, वहां पे हम डेविएशन बार डायग्राम का यूज करते हैं। अब इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किसमें किस टाइप का हम बार डायग्राम बनाएंगे। जब हमारे पास एक रॉ डेटा मिलेगा तो उस रॉ डेटा से हम इसमें से कौन सा बार डायग्राम बनाएंगे। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली कह देता है कि मेक सिंपल बार डायग्राम या मेक मल्टीपल बार डायग्राम या मेक डेविएशन बार डायग्राम, बट कभी कभी एग्जाम में आपको अगर ये ना लिखा और जहां पर कंपैरिजन हो वहां पे हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे, या जहां पे डेटा में डेविएशन बहुत ज्यादा हो तो वहां पे कौन सा डायग्राम बनाएंगे, तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है। इसमें से अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो बेहिचक पूछेगा। और दूसरी बात कि आप अपने बुक से इसे गो थ्रू कीजिएगा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कल जब हम आपको सिंपल और मल्टीपल और सब डिविजनल बार डायग्राम्स के बारे में बताएंगे तो उसे भी पढ़ लीजिएगा, ताकि जब हम बताएंगे तो आपको समझने में आसानी हो। क्लियर है? थैंक यू क्लास।